और ग्वालियर की बात करेंगे जहां पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा पेंशनर्स की मांगे पूरी नहीं की जाने के कारण पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश संभाग ग्वालियर द्वारा 30 सितंबर को विट्ठल मार्केट दशहरा मैदान में विशाल धरना देंगे और आंदोलन कर पेंशनर की मांगे उठाएंगे। पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ग्वालियर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि धारा 49 को शीघ्र समाप्त किया जाए, साथ में वेतनमान के 27 माह के एरियर का भुगतान किया जाए और पेंशनर्स के निधन पर 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाए। अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ पुरजोर आंदोलन करेंगे, जिसकी शुरुआत दशहरा मैदान भोपाल से की जा रही है। आज जो विट्ठल मार्केट में दिनांक 30 तारीख को जो धरना आंदोलन किया गया है, आयोजन किया जाएगा, उसके संबंध में यह प्रेस वार्ता आप लोगों के समक्ष रखी गई है, जिससे हमारी इन शासन की जो नीतियों के विरुद्ध पेंशनरों को जो आर्थिक क्षति दी जा रही है, उसके संबंध में आज हम आपसे के माध्यम से शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं। मुख्य मांगे क्या है?